अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से मौजूद हूँ और मैं ये नहीं कहूँगी एक नई सुबह है सुहानी और उसके साथ एक नई कहानी, बिकॉज सुबह नहीं है, ये दोपहर के बाद का टाइम है। और मैं इस वक्त सी व्यू पे हूँ, ए के खान पार्क पे हूँ। ए के खान पार्क जो है, ये ए के का मतलब है अब्दुल करीम खान, और ये वो साहब हैं जिन्होंने फ्लावर शो इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में। और ये जो है, मैं जहाँ हूँ, ये फ्लावर शो है, सबसे बड़ा फ्लावर शो कराची का और एनुअल फ्लावर शो। और इस दफ़ा जो है, ये एक और चीज़ भी मना रहे हैं, क्योंकि फ्लावर शो स्टार्ट ही हुआ था 1948 में, और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान भी उसी वक्त, फ्लावर शो जो है जब पहला हुआ था उसी वक्त वो भी फाउंड हुआ था, इसकी जड़ें लगाई गई थी, पौधा ये उगाया गया था, और आज ये एक बहुत अच्छा सायदार दरख्त बन चुका है इतने सालों के बाद। तो पीछे जो है, अगर आप देखें, वो जो एक टेंट लगा हुआ है वहाँ पे, इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्राइजेस वगैरह की शील्ड्स मिल रही हैं, सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है ग्रीनरी के लिए, शहर के लिए। इसमें किचन गार्डन्स हैं, ऑफिस गार्डन्स हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के गार्डन्स हैं, क्लब गार्डन्स हैं, और लोगों के अपने पर्सनल भी गार्डन्स वगैरह हैं। तो ये सब कुछ जो है, उसकी वहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और वो बहुत लंबी चल रही थी, तो मैं यहाँ आ गई और मैंने सोचा आपको ज़रा फ्लावर शो में भी घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ का स्टार तो आज फ्लावर शो ही है और फ्लावर्स हैं। तो आए मेरे साथ चलें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टॉल्स फ्लावर शो के ऊपर जो है वो सिर्फ फूलों के और गमलों के हो। देयर इज़ द गार्डन फर्नीचर हेयर, कितना प्यारा गार्डन फर्नीचर है। गार्डन फर्नीचर का ये फ़ायदा है कि इस पर बारिश वगैरह आ जाए, पानी आ जाए, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे पेस्टिसाइड्स हैं, अगर आपके पौधों को कीड़े लग जाएँ, या आपको आर्टिफिशियल खाद देनी है, और ठंडी मीठी खाद वगैरह भी, यानी कि पत्तों की और चीज़ें, ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। फर्टिलाइज़र की स्टॉल्स हैं, और भी बहुत कुछ है, पॉट्स, गमलों की स्टॉल। और अब वाकई ही प्लांट्स वगैरह के स्टॉल्स हैं, अभी भी ये लोग सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले आ गए। एक्चुअल फ्लावर शो जो है वो ज़रा लेट खुलेगा, लाइक 6 बजे के बाद, और क्योंकि मीडिया के लिए और स्पेशल गेस्ट्स वगैरह के लिए पहले खोल दिया जाता है, तो ये हम लोग पहले पहुँचे। वैसे इस वक्त ज़रा लोग भी कम है, ये बाद में जो, जैसे जुमे को तो ओ गॉड ऐसे भरा होता है कि बस। इस स्टॉल पे बहुत सारे गेंदे के फूल भी हैं, और मैरीगोल्ड्स जो हैं, इसकी एक ये बड़ा फ़ायदा है कि अगर ये दूसरे किसी पौधों के इर्द गिर्द जहाँ भी आपने लगाया, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, जैसे मिली बग्स होते हैं और वगैरह चीज़ें इस तरह की, उन्हें कीड़ा नहीं पड़ता। और ये देखें, एक यहाँ पे फॉर सेल ये पौधा है, जिसके अंदर आई थिंक या तो ये माल्टे हैं, या ये किनू है, या ये ग्रेपफ्रूट भी हो सकते हैं, तो फल भी लगे हुए। कौन कहता है कराची में फल नहीं उगते, चीकू तो बहुत अच्छे उगते हैं, और भी चीज़ें, आम वगैरह, और भी बहुत चीज़ें उगती हैं। तो हमने सिट्रस भी देख लिया, गार्डन ऑर्नामेंट्स वगैरह, विच आर ब्यूटिफुल। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी ये इसको बनाने के लिए बीच में जो इसका जो स्केलेटन जैसे जो होता है ना, जिसके ऊपर ये बनाते हैं, तो ये प्लास्टर पेरिस वगैरह, तो वो सरिये का होता है, लोहे का, तो उस पर जब जंग लग जाता है ना, तो वो फूलता है और ये क्रैक होकर टूट जाते हैं, तो सर ये नाजुक होते हैं।
यू हैव बैम्बू, बैम्बू उग रहे हैं यहाँ पे, डूइंग क्वाइट वेल फ्रॉम व्हाट आई सी. ये एक और मुझे पौधा नज़र आ रहा है जिसमें बड़ा हेल्दी सा कोई फ्रूट लटक रहा है. ये भी कुछ हो सकता है, सम काइंड ऑफ सिट्रस, लुक्स लाइक अ नींबू टू मी. ये नींबू है भाई, नींबू का बहुत अच्छा पेड़ है. और इतना बड़ा आप लेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो मैं किसी से पूछ लूँ इसकी प्राइस, मगर यहाँ कोई स्टॉल पे है नहीं, सब लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में इस वक्त लगे हुए हैं. कुछ स्टॉल्स तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी जंगल जंगल बनाया हुआ है. जंगल भी बहुत खूबसूरत है. इधर मुझे एक और ये नींबूओं का, ओके इधर नाम भी आ गया, ये ले जी, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन लेमन. एंड वी हैव ऑरेंज, ऑरेंज ये नहीं किनू का है ये. तो सर ये नींबू का कितने का होगा? ऑस्ट्रेलियन लेमन ये वाला 3000 का है. अच्छा, और इसके हम जो थैली वाले प्लांट्स देते हैं जो कि हाँ हाँ छोटे छोटे, हाँ नहीं वो भी तकरीबन है इतने बड़े. अच्छा, वो भी फ्लावरिंग पे, वो कितने के हैं? आपको 750 का पड़ेगा. 750 का, अच्छा इतने सस्ते भी हैं. और ये चल जाते हैं कराची में? चल रहे हैं कराची में ही, चल रहे हैं. देखें आप, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं. इनको कोई खास आप लोग कुछ करते होंगे कि कराची में चले खाद ज्यादा देते हैं, पानी कम देते हैं ज्यादा? फुल सनलाइट में रखना होता है. फुल सनलाइट पे? अच्छा जल नहीं जाएगा? फुल सनलाइट में रखना. अच्छा, पौधों को रोज पानी आपने देना है, मगर जब फ्लावरिंग पे आए तो हल्का पानी कम कर दे वरना वो गिर जाते हैं ना फल. हाँ अच्छा. और ये जो आपका जो किनू है ये ऑरेंज, यानी माल्टा है ना ये? माल्टा ये रखा. अच्छा तो ऑरेंज ये क्या चीज है? किनू है? किनू है. कितने का है ये सर? ये भी सेम प्राइस का है, 3500. 3500 का, बहुत ही अच्छा है. लेमन की वैरायटीज हैं यहाँ पे, उसकी इन्होंने चार्ट लगाई हुई है जस्ट टू एजुकेट यू. उसके साथ ही पीछे जो ये लगा हुआ है इसमें भी वही है ऑस्ट्रेलियन लेमन. ये माल्टा है. अच्छा ये माल्टे है, एक सीडलेस लेमन है. एक क्या है? सीडलेस लेमन. अच्छा सीडलेस लेमन भी है इनके पास. ये कैफर लाइम्स हैं. वाह सर, अपना नाम तो बताएं, आपसे बातें भी कर रही हूँ. मोहम्मद हसन नाम है. मोहम्मद हसन, आपके स्टॉल का क्या नाम है सर? गार्डन सॉल्यूशंस के नाम. गार्डन सॉल्यूशंस के मोहम्मद हसन जी, इन्होंने भी मुझे बताया इनके पास काफ़ी कुछ है, सिट्रस की वैरायटीज है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस. और ये एंट्रेंस से सीधा जब आप यहाँ से आएंगे गेट से तो थोड़ी सी वॉक है और उस पर ये रहा गार्डन सॉल्यूशंस. इस वक्त हवा में ये आ गया. अभी भी लास्ट मिनट सजावट चल रही है क्योंकि ये बिल्कुल समुंदर के आगे है, सी व्यू पे है, तो हवा भी बहुत प्यारी, एक ब्रीज है. और आज के इसके अंदर मुझे फ्लावर शो में बहुत अलग अलग स्टॉल्स में मुझे सिट्रस की बहुत वैरायटीज दिख रही है. अब ये एक स्टॉल है, इसका नाम द ग्रीन गार्डन्स है. मुझे यहाँ भी सिट्रस दिख रहा है, ये नींबू लटका हुआ है, गेंदे बहुत हैं, गुलदाउदी बहुत हैं. और ये देखें जी, ये एक तो सेल भी हो गई, वो पौधा जा रहा है और उसके पीछे पीछे जिन्होंने ख़रीदा है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं. हाउ क्यूट. यहाँ जो स्टॉल्स लगाते हैं ये ज़्यादातर तो नर्सरीज ही होती हैं. अब ये ऑर्किडियम नर्सरी, तो जाहिर है यहाँ ऑर्किड्स तो होंगे ही होंगे. सो लेट्स सी, हैव अ लुक एट सम ऑर्किड्स हियर. कितने के हैं ये ऑर्किड्स? 2500 रुपए के, ये छोटे वाले जी. अच्छा, और ये आराम से घर के अंदर अंदर जो है ये इनसाइड प्लांट है ना जी. अच्छा ये लाइक शेड लविंग प्लांट है, ऑर्किड्स है. और ये कोयले में होते हैं ना? नारियल के छिलके में, कोको फील्ड में. नारियल के छिलके में और कोयले में. कोयले में भी उगते हैं जी जी. अच्छा इसको मिट्टी नहीं देते? नहीं इसको मिट्टी नहीं. अगर मिट्टी देंगे तो क्या हो जाएगा? तो खराब हो जाएंगे. अच्छा खराब ही हो जाएंगे. अच्छा महंगे क्यों होते हैं इतने? कम होते हैं? महंगे ना, इम्पोर्ट में. अच्छा ये यहाँ क्या नहीं है, नेटिव नहीं है? जी. सर अपना नाम तो बताएं, कौन किस आपने बात की? मेरा नाम साले मोहम्मद है, ऑर्किडियम नर्सरी से. ऑर्किडियम नर्सरी से साले, ब्लॉक वन में. साले मोहम्मद साहब बता रहे हैं क्लिफ्टन ब्लॉक वन में इनकी नर्सरी है. और कह रहे हैं कि ये क्योंकि इम्पोर्टेड है इसलिए ये इतने महंगे होते हैं. यहाँ पे काफ़ी लोग जो है कस्टमर्स, दे आर ऑल्सो कम्प्लेनिंग कि महंगे बहुत हैं, मगर अब बाहर से आए हैं तो क्या कर सकते हैं. सो दे आर वेरी प्रिटी ऑर्किड्स, जस्ट लुक एट देम, सो ब्यूटिफुल. So aren't you going to get anything? आप कुछ लेंगी नहीं?
अच्छे नहीं लगे, बहुत महंगे, बहुत महंगे। तो फिर क्या क्या करना है, किसका क्या सलूशन है? एक ले लें फिर उसके, वो उसको ऐसे नहीं कर सकते कि उसके बच्चे वगैरह उसको और प्लांट्स बना दें एक से, ऐसे नहीं होता? अच्छा जल भी जाते हैं घर में? अच्छा अपना नाम तो बता दें मैडम, आपसे बात हुई जी। जॉइस। जॉइस फुल नेम बता दें। जॉइस आर्थर। जॉइस आर्थर जी, तो इनको बहुत शौक है ऑर्किड्स का। वो कह रहे हैं मैं घर में उनको थोड़ा सा लाइक ये भी है कि ठीक से गाइडेंस नहीं मिलती नर्सरीज वगैरह से, और वो अगर लगाएं भी और इतना महंगा लें और अगर वो जल भी जाए तो क्या फ़ायदा? वो गार्डन ऑर्नामेंट्स, अब इसके अंदर जैसे अगर ये आपके लॉन में बरामदे में कहीं लटक रहे हैं और हवा जैसे जेंटल ब्रीज के अंदर ये एक छोटा सा एक म्यूजिक भी प्रोड्यूस करेंगे, कितने के हैं सर ये? 2000। ये बहुत महंगे हैं भाई, 2000 डोरियाँ लगा के मैं ही कर लूँ, बनाना लूँ, कैसे बनाएं? आप लोगों ने खुद बनाए? अच्छा लिए, आई सी। ये थाईलैंड से आए हैं? अरे वाह, थाईलैंड से आए हैं भाई, तो इसकी प्राइस भी इसीलिए 2000 है। ये सिपिया भी थाईलैंड की है, यहाँ का लोकल नहीं है। हाँ बेसिकली इसमें एयर प्लांट लगा। एयर प्लांट क्या होता है? एयर प्लांट लगा हुआ, वो उसके प्राइस। अच्छा ये प्लांट जो है ये जिंदा ये नहीं है, ये प्लांट ही है? प्लांट है। ओ, तो इसको पानी नहीं देना होता, ये हवा में ही होता है, करना होता है, नो पॉट नो सॉइल प्लांट। अच्छा ये देखिए जी ये एयर प्लांट। ऐसे और भी बाहर के पौधे हैं आपके पास क्या? वो जो मक्खी खाने वाला एक पौधा होता है वो है? अच्छा नहीं है, ओके। नहीं होता है ना फ्लाई ईटिंग? आपका आपकी नर्सरी है जी। अरे वाह, इतने सारे जो है वो मर्द हजरातों की नर्सरी है। तो सर मैम अपना इंट्रोडक्शन तो कराएं। मैं सहर एहसन हूँ, मेरा सहर सहर एहसन। सहर एहसन, अच्छा आपका ऑनलाइन क्या? मेरा ऑनलाइन सारा इसका बिजनेस है। अच्छा इधर तो ऑनलाइन नहीं आ रहा। एक्सोटिक और सारे रेयर प्लांट्स होते हैं, इम्पोर्टेड प्लांट्स पे काम करते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो कहाँ से मंगवाती हैं आप? ये हमारे ज़्यादातर तो थाईलैंड से आते हैं, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, या फिर एक दुबई से। अच्छा, और हमारे हवा में मौसम में ये काम करते हैं? जितने प्लांट मेरे पास अभी अवेलेबल है ये सारे रेरा रिजॉर्टिक प्लांट्स हैं, इसमें कोई भी लोकल प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। जस्ट लाइक मोस्टेरा डूबिया हो गया, या एलोकेशिया हो गया, जैबरीना हो गया। अच्छा, दीज आर ऑल इम्पोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। अच्छा, और ये इतनी प्यारी प्यारी ये होयास की वैरायटीज वगैरह देखे, वो जो आपने बलून्स जैसे लगाए हुए, इनमें भी कोई पौधा शौधा तो नहीं है? नहीं। सो प्रिटी, सो देयर इज अ लेडी रनिंग दिस स्टॉल, और उनके टेस्ट वगैरह से उसी से पता चल रहा है कि ये एक लेडी का स्टॉल है। इसे क्या कहते हैं? ये एंथोरियम। एंथोरियम है, हाँ, जैसे ऐसे निकल रहा था, ऐसे शेटूथ होता है ना? Yes, है ना? हाँ, हाउ प्रिटी, हाउ प्रिटी। स्टॉल में आते ही मुझे पता लगा कुछ डिफरेंट है, और इसकी वजह ये खातून है। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, यू वेलकम। ये देखो पीछे, अगर मैंने आपको छोटे नींबू वगैरह दिखाए थे तो यहाँ तो ग्रेपफ्रूट भी है। और कमाल ये कि ये सारे कराची की आबो हवा में दे आर डूइंग वेल। अगर इधर ये देखें, एक्चुअली इसको तोड़ने का टाइम आ चुका है, मगर क्योंकि फ्लावर शो आ रहा था तो आई थिंक इन्होंने इसको पेड़ पे रहने दिया है। मगर ये ग्रेपफ्रूट है, क्या क्या कुछ इस दफ़ा बस हर जगह यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनका मौसम भी है ना, सिट्रस का मौसम भी तो है। एंड हियर यू आर विथ कैक्टाई। ये छोटे छोटे कैक्टस, इतने मुन्ने जितने दिख रहे हैं उम्र में इतने छोटे नहीं है, क्या है ये? और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और इनको बड़ी मुश्किल से नर्चर किया जाता है। कितने सालों से इनको कांटे हैं, मगर कराची की रेगिस्तान टाइप के एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे चलते हैं। ये नहीं है कि सारे कैक्टस कांटे होते हैं, उनमें कांटे के बगैर भी होते हैं। There's so many here. नहीं नहीं, हाँ क्यों डिसअपॉइंटिंग है?
प्लांट्स को खास नहीं है, धो धुला कर रखे ताकि खुश लगे। हाँ अब ये देखे, ये जो बिल्कुल सूखे सूखे दिख रहा है उसके, मुझे तो लगता है ये अभी लगाया है और मिट्टी में तो इसलिए कुछ। हाँ ऐसे भी हो सकता है। वैसे मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सिट्रस नज़र आ रहे हैं, सिट्रस नज़र आ रहे हैं, बट वो हैंगिंग नहीं है और इतनी दफ़ा चले ठीक है, इस दफ़ा आप इम्पोर्टेड से नहीं कम्पीट कर रहे हैं। हाँ। तो कम अज़ कम अपना लोकल तो सही करें। हाँ अच्छा, ये सब लोकल मगर कुछ तो कह रहे हैं। अभी हम लोग वो वाले थाईलैंड से लेकर आए हैं, आगे एक स्टॉल है उसमें। हाँ, काफ़ी चीज़ कैसे लाए हैं, डॉलर्स तो हमें देते नहीं है ये वहाँ से ले। आप इधर गेंदे के साथ साथ ये देखें बैंगन, और बिल्कुल लग रहा है उबले हुए अंडे लटक रहे हैं, इसलिए इसको एग प्लांट भी कहते हैं। तो अब हम मेरा ख्याल से वेजिटेबल गार्डन्स की तरफ आ गए हैं, और क्योंकि इस वक्त सूरज डूब रहा है तो ये सूरजमुखी को भी देख लें, बस ये नीचे की तरफ इनके चेहरे प्यारे प्यारे लटक रहे हैं क्योंकि सूरज डूबने वाला है। और बीज ज़्यादा बेहतर है कि आप बीज से उगाएं और नर्चर करें। सो देयर आर वैरायटी, अ ह्यूज वैरायटी ऑफ सीड्स हियर। यहाँ तो हनी भी मिल रहा है, ग्लोरी बी हनी फ्रॉम डॉगर्स हनी बी फार्म्स। हर तरफ आपको शहद की बोतलें दिख रही हैं, इधर पीछे उधर हर तरफ, और भी हनी है यहाँ पे, प्रीमियर नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंड यू सी मोर हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स। और ताकि हम पौधे देखते देखते और भूख से कहीं हम पौधे ना खाना शुरू हो जाएं, तो बीच में खाने पीने की भी काफ़ी जगहें हैं, जगह जगह इस किस्म के स्टॉल्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। मोर ऑफ दैट, देयर इज अ जिलाटो वन, देयर इज आइसक्रीम स्टफ, ऑल दैट टेबल्स फॉर पीपल टू एंजॉय वट एवर दे हैव गॉट। और ये देखें, दीज आर विंड चाइम्स, लुक हाउ दे आर, सी ब्रीज में किस तरह का वो म्यूज़िक प्ले कर रही हैं। इट इज़ सो पीसफुल लुकिंग एट दीज एंड जस्ट लिसनिंग, आपको ये खामोशी की आवाज़ सुनाते हैं। ज़रूरी थोड़ी है सारे फूल और हर चीज़ असली हो, तो इधर नकली फूल भी हैं। फ्लावर शो है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदा फ्लावर्स हों, कागज़ के फूल, प्लास्टिक के फूल, हर किस्म के फूल भी यहाँ बिल्कुल मौजूद हैं और बहुत प्यारे हैं। फूल तो फूल हैं। ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, लुक एट दीस, कितनी खूबसूरत बने हुए हैं। लाल से ज़्यादा तो मुझे सफ़ेद और पिंक अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हर्ब्स का भी एक स्टॉल है, यू हैव हीलिंग गार्डन स्टॉल है। और यहाँ पे ये देखें, यू सी बेजिल विच इज़ तुलसी, एंड दे हैव लाइक रियली दे हैव क्रिएटेड ऑल दीज एजुकेशनल बोर्ड्स जिसपे यू कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। दिस रोजमेरी जिसे हम मिंट भी है रोजमेरी को, हाँ मिंट ही कहते हैं, ठीक है, हम लोग पुदीना भी कहते हैं, पार्सले, जिंजर लिखा है वैसे, टर्मरिक हल्दी, और उसके बेनिफिट्स जिंजर के भी और टर्मरिक के भी हल्दी के, और बहुत वेरी नाइस। तो इट्स कॉट हर्ब्स। हेलो, डिड यू विन एनी थिंग? Okay, there's a student here who won something. What did you win it for? Second prize. Yes. For?
We are highly recommended, so we won this prize. You are highly recommended. This is a prize. Display के लिए. College display के लिए अपना नाम तो बता दें. We are a whole team from Dax College for Women. Which college? Dax College for Women. DHACSS. तो ये कुछ ज़्यादा ही modern तरीका है इसको Dax College कहने का. वैसे ये DHA का College for Women है. और अपना नाम तो बता दें. माहरू नियाज़ी हैं जी, जो बहुत मुश्किल से अपना नाम बता रही हैं. और इन्होंने कुछ जीता है, लाइक प्राउड होना चाहिए. जीते हैं. वी हैव द कराची सुगित्सु स्टडी ग्रुप हेयर एंड दे हैव अ स्टॉल. एंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द स्टडी ग्रुप स्टॉल? Can you give me your introduction, your name? I'm Shahina Zubairi. Shahina Zubairi, अच्छा जी. I'm director of this study group. Okay. And Sugitsu is one of the schools of Ikebana. So our style of Ikebana is... Okay, are any of the arrangements for sale? No, they're not for sale. लोगों ने अपने दिल लगा के जिस तरह किए हैं. Just on display. They are all only on display. मगर अच्छा stall है, बहुत प्यारा है. And very pretty. Thank you so much. There's another stall here, sustainable gardening. So, इधर क्या क्या मिल रहा है ये देखें जी. चिकन और गुड गार्डन कंपेनियंस. चले जी, मुर्गी है उसके लिए बनाया उन्होंने इनक्लोजर. वो काफ़ी नहीं था शायद, इसे उसको पिंजरा में बिठा दिया. कैन यू सस्टेनेबल गार्डन? माय गॉड, इट्स लवली. वेरी लव इट. ऑफ कोर्स. ओके, चिकन. वो देखें जी, बर्ड हाउसेस हैं. क्या कहते हैं बर्ड? वो आपने बर्ड्स को बाहर पेड़ में लगा दें, इसमें परिंदे आ जाएंगे, रहेंगे, अंडे देंगे. कुछ बताएं आप इसके बारे में. आप, आई जस्ट ओवर हर्ड यू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज इट? सस्टेनेबल गार्डनिंग. अपना नाम बता दें सर. ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सस्टेनेबल गार्डनिंग. अच्छा, व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑर्गेनाइजेशन इज एमेच्योर गार्डनर्स क्लब. ओके, AGC. सर अपना नाम तो बता दें. मेरा नाम मोहम्मद उवैस है. मोहम्मद उवैस, ओके जी. इस पर तबाह हमने कहा कि जैसे लेट्स ट्राई कि हमारे पास जो स्क्रैप्स और पड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, ईंटें पड़ी हुई. जी जी जी, बिल्कुल फालतू. ये फालतू चीज़ में इसमें थोड़े से ये लॉग्स डाल दिए जी. ये पिलर भी हमें कोई ऐसे रिसाइकल वाले चाहिए थे कि ये हमारे पास पिछले साल के स्टॉल के थे. अच्छा, यूज कर लिए. वो यूज कर लिए, काम चला लिया. हमने कोई maybe not even we have not even spent 20,000 rupees maybe. Wonderful. ठीक है, बल्कि very creative. मुझे लगता है कि हमारा actually ये 20,000 रुपए भी जो है ये ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लगे. अच्छा. Hello. और इसमें जो आपको बताया ट्रांसपोर्ट तो महंगा है. ट्रांसपोर्ट तो महंगा. आइडिया इज यू कैन सी एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली रिसाइकल और जस्ट कम फ्रॉम पीपल्स होम. दैट्स ऑल. सर ये मुर्गी भी? मुर्गी भी इसी तरह ही है. अच्छा, ये इसके लिए एनक्लोजर काफी नहीं था कि वो मुर्गा या मुर्गी है उसको पिंजरे में भी बिठा दिया? नहीं, वो पिंजरे में डालने हमने बाद में डाला है. उसकी वजह अच्छा? ये थी कि यहाँ पे बिल्ली बिल्ली कोई. हाँ, बिल्ली बिल्ली. अरे हाँ, यखनी बन के वापस आए. हाँ, ये भी इसका नाम है कुछ? ये मुझे नहीं पता. अच्छा जी, ये गुमनाम मुर्गा या मुर्गी है? वी कैन से चिकी. चिकन ही है जी. चलें, थैंक यू. सस्टेनेबल चिकी. सस्टेनेबल चिकी है भाई. अच्छा, देसी है जी. चलें, चबाने में मुश्किल होगा, ना चोरी करना. और ये मेरा फेवरेट स्टॉल है, लेडीज हॉर्टिकल्चर क्लब ऑफ कराची. हॉर्टिकल्चर. जी जी जी, आप अपना नाम तो बता दें. शैला दत्ता. ओके. अच्छा, हर चीज. वाओ यार, दिस इज ऑल. वहाँ तो सस्टेनेबल गार्डन था, यहाँ रिसाइकल्ड अपसाइकल्ड. ओके, उसके बाद एक पैटियो हमने दिखाया, बालकनी गार्डन. वो डोंगा भी बड़ा है, वो भी रिसाइकल हो गया. हाँ, क्योंकि लोगों के पास देखिए जगह नहीं होती है. कोकोनट का. हाँ, अच्छा. अरे हाँ, वाह भाई, ये देखें जी, ये सब रिसाइकल्ड है. कोकोनट के शेल भी.
बीटल लीव्स भाई ये तो पान है, पान, पान, ये तो पान है, इसको कोई तोड़ के अगर पान बना ले हम तो वहाँ बना सकते हैं पान, क्यों तो अभी आप खिला भी नहीं है पान, कत्था चूना उना सब लाए हमारे घर में है घर पे छोड़ा। हम ये कहना चाहते हैं कि कराची में बहुत आसान है, पता नहीं हम कराची वाले क्यों उगाते क्यों नहीं है। अच्छा अपना नाम तो बता दें। आई एम फतिया, आई एम लेडीज हॉर्टिकल्चर क्लब के मेंबर है हम। हमारा काम है तो लोगों को सिखाना कि आप अपना उगाएं, अपना। अच्छा आपने नाम क्लियरली नहीं बताया, फतिहा। फतिहा, पूरा नाम नहीं बताएंगे। फतिहा अब्दुल कादिर। फतिहा अब्दुल कादिर। और ये लोग जो है हमारे मामलेट से, ये हम अपने होम ग्रोन ऑरेंजेस से बनाते हैं। ओह घर में भाई, अभी अभी जो हमने देखा जैसे अलग अलग किनू और ऑरेंजेस और सब उगे हुए थे, और यहाँ पे इनके घर में जो उग रहे हैं उसके इन्होंने होममेड मामलेट बनाया। अच्छा इस पार्ट में हमने रखा हुआ है, वो देखिए मामलेट के साथ उसका वही मटेरियल भी रखा हुआ है। अच्छा फिर से बताएं क्या क्या यूज करते हैं। छाछ का पानी, छाछ का पानी 3 दिन पुराना खट्टा, और उसको पानी में डाइल्यूट करते हैं, और फिर हम करते हैं लहसुन का पानी, प्याज का पानी, सोडा वाटर, विनेगर कभी डाल देते हैं अगर खट्टा ना हो, और फिर नीम का तेल और राख। राख, राख क्या चीज़ होती है? राख इज पॉट ऐश, ऐश बर्नट वुड। बर्नट वुड, उसका भी कोई पानी होता है? नहीं, अच्छा वो खुद ही डाल देते हैं। आप जब वो हमारे गांव में सब लकड़ी जला के खाना पकाती हैं, जी जी जी, तो वो हमारे लिए जमा करके ये हमारे शहर में लाती हैं। अच्छा राख जो बर्नट। अच्छा और उससे फिर कीड़ा नहीं लगता इन चीजों को? बिल्कुल नहीं लगता, और वो पोटैश भी है। अच्छा ये सारा ऑर्गेनिकली ग्रोन है, इसमें कोई स्प्रे नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। पानी का अचार लिखा हुआ है ना, और वो हमारे डॉक्टर, हमारे एके खान साहब का किताब है जो बहुत ही आला है हमारे कराची के। जी द फ्रूट्स उनका है। अच्छा वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन में जो भी उगाया ये उसी के प्रोड्यूस है, दरख्त से है। अच्छा और कराची में उगा है, प्रोड्यूस के ही प्रोडक्ट्स हैं, और इन्होंने सब मामलेट बनाया, दिस इज द बेस्ट मामलेट इन कराची। लवली लवली, यू हैव टू टेस्ट इट। ओके इट्स ऑल प्योर, हाउ नाइस, एंड दैट्स प्रिजर्व्ड चीज। ओह प्रिजर्व्ड चीज इन ऑलिव ऑयल। एंड दैट बेर का अचार कभी सुना है आपने? बेर, हाँ हाँ हाँ, यहीं पे आप ही के स्टॉल में सुना है। हाँ बिल्कुल, अचार है, नींबू का अचार है, और हमारा मिक्स अचार है। वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। एंड दिस इज आल्सो होम ग्रोन हमारा। अच्छा ये लाल मूली भी? लाल मूली और टमाटर। ये पानी में उग रहा है? नहीं हमने आज ही सुबह दरख्त से निकाल के अब इसको सेट किया। अच्छा सेट किया है कि मर वर ना जाए? ना जस्ट एज एन अरेंजमेंट। अच्छा एज एन अरेंजमेंट, हाउ नाइस। ओह दी सर एडिबल फ्लावर्स ले जी, किसी को आपके घर में अगर कोई बदमाश डॉगी है वो भी खा लेगा। ये पेंजीज है, गेंदा खा लेगा, ये गेंडा है, वो इंग्लिश डेजी है, और ये नस्टूशियम्स है। माय गॉड ये एडिबल फ्लावर्स है भाई, ये फूल खा लें, पत्ते भी खाएं, आपको कुछ नहीं। अच्छा अच्छा नहीं नहीं, मैंने तो गधों को, नहीं नहीं मुझे ना खिलाएं। नो नो नो, इट्स पेपरी, यू हैव टू टेस्ट। इस पे कोई स्प्रे वगैरह तो नहीं हुआ? स्प्रे नहीं हुआ, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। या अल्लाह खैर। हां अगर आप एडिबल फ्लावर्स, सो इन्होंने मुझे एडिबल, ये छोटी सी ये बड है, दीज आर द, या दीज आर यूज्ड एज केपर्स। मैंने खा लिया है, केपर्स कह रहे हो? फ्लावर्स फॉर सैलेड यू। अरे ये तो मीठा है, जैसे मैं कह रही हूं पेपरी है। एंड यू नो यू कैन यूज द लीव्स, यू कैन लिव ऑन हम, एंड दिस इज फॉर द सैलेड। ओह माय गॉड इट इज पेपरी, मिर्च खिला दी भाई। इट्स सो दैट, ये हमारा क्लब है। See, we are trying to tell people edible flowers, and we are trying to tell people to grow your own food and to preserve your own food. चले जी, बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी एजुकेटिंग। आपके स्टॉल में आना, साहब को भी दिला। जी जी बिल्कुल, फहीम खा ले फहीम। नहीं आपने खाना होगा ये फहीम, उन्होंने मुंह पे कैमरा लगा लिया है, और ये फहीम सिद्दीकी फोकस विद फहीम ने भी खा ही लिया है। अगर मुझे कुछ होगा तो इनको भी होगा, मगर कुछ नहीं होगा। ओके यहाँ पे जो हमारी सिस्टर है वो कह रही है कुछ नहीं होगा। दिस इज नॉट स्प्रेड, इट्स नॉट स्प्रेड। वी आर, अगर हमने प्याज तो प्याज का पानी डाले तो क्या हुआ? प्याज का पानी तो आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, थैंक यू सो मच। सो आए और आपको बोनसाई ना देखने को मिले, ये कैसे हो सकता है? ये छोटे छोटे कंटेनर्स के अंदर पुराने पुराने बुढ़े बुढ़े दरख्त इन लोगों ने, हाँ और मैं क्या डिस्क्राइब करूँ इसको, इसी तरह से
अलग अलग लोगों ने जिस तरह से नर्चर किए हैं, इनकी बड़ी मेहनत होती है, ये उगे हुए होते हैं फिर इनको निकालते हैं, इनकी नीचे से जड़ें काटते हैं, इनकी प्रूनिंग होती है, इनकी जड़ों की भी कटाई होती है, यहाँ काफ़ी मेहनत का काम है बॉन्साई नर्चर करना। और ये है सुगित्सु स्टडी ग्रुप और ट्रक आर्टर सुगित्सु, इनकी थीम है इस दफ़ा। So this is the theme, truck art this year. Are you the president? Hi president, can you like naam bata de? Saleema Feroz. Indus Sugetsu group. Our designs are this time inspired by truck art. Yeah, bilkul theme dikh rahi hai, upar likha hua hai. Bilkul, so please enjoy them. Zabardast, very nice, very pretty. Truck art ko unhone dekhen kis tarah se. Look at this. So ours is like Indus Sugetsu mein swa ikibana and humne usko truck art ko combine kiya hai. Achha. So it has a Japanese touch and a traditional truck art. Very nice. We're using those colors and those themes but in a Japanese style. Bas Japani bhi dekhenge bole ye ho kya gaya. Dekh le wo. Bas dekh le bhai, tum logo ne Mazda banayi thi to humne uska ye hashar kiya, truck art bana diya. और अब हम फूलों के साथ भी वही सलूक करने वाले हैं। और अब हम इकेबाना की तरफ आ गए हैं। आई सी सम वेरी प्रिटी अरेंजमेंट्स हियर, लुक एट दिस लिटिल अम्ब्रेलास। ये तो पूरा ही पूरा जापान ही है, यहीं उतर के आ गया है। क्या नाम है? साबरा। How pretty. Art flowers में भी उतर आया। So here's a Floral Art Society of Pakistan Gardenia chapter का आपका पास ये stall है which is nice and appreciated by everyone. हम लोग बाहर आ रहे हैं फ्लावर शो से, तो बाय बाय कहते हैं फ्लावर शो को। बालों का सत्यानाश हो चुका है, बेड़ा हर्क हो गया है, बाहर निकल रहे हैं, बट अच्छा लगा, तबीयत खुश हो जाती है ऐसी जगहों पे जब आप जाएं। आपके शहर में फूलों की, पौधों की बहुत ज़रूरत है। चलें आज के लिए इतना ही, शाजिया की तरफ से खुदा बाय बाय।